Hi guys, namaste. Welcome back to my channel and I am Suman. आज की वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो अफोर्डेबल डाइट प्लान. हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डाइट अफोर्ड नहीं कर पाते, महंगी चीज़ें नहीं कर पाते, बट जो कि बेसिक लोकल घर से खीरा प्याज टमाटर हमारे नींबू जीरा अजवाइन तेज पत्ता ये बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हैं जो कि हेल्थ बेनिफिट्स देती हैं, उसके साथ साथ हमारा वेट लॉस भी करती हैं. सो मुझे 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस में ऐसी पर्सनली फीलिंग है. बहुत सारे मेम्बर्स मेरे पास ऐसे हैं जो कि बहुत मुश्किल से फी जमा करते हैं और बहुत मुश्किल से गाइडेंस के लिए आते हैं, बट उनका एक चीज़ होता है कि एक जस्ट अफोर्डेबल डाइट प्लान कर दो ताकि हम उसको मतलब कि खरीद पाएँ. हमको बहुत महंगी चीज़ें एक्सपेंसिव चीज़ें मत दिया करना. स्पेशली कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ओट्स भी नहीं ले पाते बेचारे, या फिर बहुत सारी जितने भी हमारे आइटम्स होते हैं, एप्पल साइडर विनेगर होता है, एलोवेरा जूस की बॉटल्स होती हैं, या फिर हमारा बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो थोड़े बहुत महंगे होते हैं, वो नहीं ले पाते. सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही चीप हम उसको बोल सकते हैं, एक डाइट प्लान जिसकी हेल्प से वेट लॉस तो होगा साथ साथ आपका जो पॉकेट फ्रेंडली है ये, और बहुत बेसिक चीज़ों से बना हुआ डाइट है. एंड ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं डाइट. उससे पहले बिल्कुल बेसिक चीज़ें, फर्स्ट इज़ जब आप ये डाइट स्टार्ट करेंगे, मेक श्योर आप 2 से 3 दिन पहले अपनी क्रेविंग्स, जितनी भी फूड की क्रेविंग्स है उसको ख़त्म कर दें. आपको कुछ भी खाने का मन है, आप क्रेविंग ख़त्म करके ही अपनी डाइट पे आएँ, क्योंकि अगर आपकी क्रेविंग्स जागरूक रहेगी, आपका डाइट के बीच बीच में आपको क्रेविंग और बढ़ती चली जाएगी और डाइट जो है वो बीच में ब्रेक हो जाएगा. पार्ट टू, आपको अपना डेली का वेट चेक करना है सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद विदाउट क्लोथ्स. मेक श्योर आपका अगर बाउल मूवमेंट क्लियर नहीं हो रहा, आपको अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है, जस्ट पास योर यूरिन, रिमूव योर क्लोथ्स एंड देन चेक योर वेट ऑन अ डिजिटल वेइंग मशीन. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज स्लीप. 7 से 8 घंटे की नींद एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, वो भी एक झटके की, इंटरवल की नहीं. नेक्स्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड योर मेंटल हेल्थ, इट शुड बी लाइक पीस, बहुत अच्छे से पीसफुल होना चाहिए. स्ट्रेस देने वाले लोग या फिर ओवर थिंकिंग वाले लोग कृपया करके बाहर रहें. लास्ट एंड सबसे ईजी वाली चीज़, पानी. सिप सिप करके पानी पियेंगे. गर्मियां हैं, धूप में बाहर जाना इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, अगर बाहर के काम भी हैं 11 बजे से पहले या फिर शाम के 4:30-5 बजे के बाद के. एक झटके में पानी नहीं पियेंगे धूप से अंदर आके, और धूप में कतई 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 बाहर ना जाएं, स्पेशली इस मौसम की धूप में. सो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक, और मॉर्निंग ड्रिंक कितने बजे लेना है हमें, 8 बजे से पहले. चलते हैं किचन में और बनाते हैं मॉर्निंग ड्रिंक. ओके, स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से. मॉर्निंग ड्रिंक के लिए हमें चाहिए 1 गिलास पानी नॉर्मल टेम्परेचर का. उसके अंदर हम डालेंगे नींबू, 1 लेमन डालेंगे हम इसमें, विटामिन सी का सोर्स, एंटीऑक्सीडेंट फुल है इसमें, अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम का केयर करेगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएगा और फैट लॉस में हेल्प करेगा ही करेगा. सो ये रहा हमारा मॉर्निंग ड्रिंक. जिन जिन लोगों को खट्टी चीज़ सूट नहीं करती है बट स्टिल उनको लो बजट चाहिए, उनके लिए अनदर ऑप्शन. तो ये नेक्स्ट ऑप्शन है, ये हमारे पास गोंद कतीरा, और ये मेरे पास पैकेट आया था आई गेस 30 रुपीज़ का. एंड सबसे बेस्ट चीज़ है समर्स का, इतना कूलिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर. एंड ये लिया थोड़ा सा गोंद कतीरा हमने, 3-4 पीस मैंने इसमें डाल के रखेंगे रात पर, मॉर्निंग में उठ के इसको जेली बन जाएगा ये. एंड चाहे आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हो, एंड जैसे ये जेली बन जाएगा इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और ये वाला ड्रिंक हमारा रेडी. आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, बट ये जेली के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. वेलकम बैक जी. अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की. नाउ ब्रेकफास्ट के अंदर यहाँ पे मैं 2-3 दिन से मैं भी ले ही रही हूँ हमारा चिल्ड रैप ज्वार ज्वार का, और ये कैसे बनाना है चलते किचन में. ओके, यहाँ पे अब हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट. नाउ ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है टमाटर. हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं चिल्ड रोल. बहुत अच्छा रोल बनेगा, 90% ब्रेकफास्ट यही चल रहा है मेरा समर्स का. थोड़ी सी गाजर अगर आपको महंगी मिल रही है ऑरेंज वाली तो आप स्किप कर देना. ये है मेरे पास खीरा, कद्दूकस करके इसका पानी निकाल रखा है मैंने, खीरा डाला मैंने. नेक्स्ट मेरे पास है चुकंदर, कद्दूकस करके पानी निकाला है मैंने. ओके, नेक्स्ट मेरे पास है प्याज, प्याज. नेक्स्ट ये रहा मेरे पास मेरी होममेड मलाई. अब सबके घर में मलाई निकलती है, दूध है, तो ये डाली मैंने 1 चम्मच इतनी. चलो एक और डाल देते हैं मलाई. अब नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक.
नेक्स्ट भुना हुआ जीरा का पाउडर, दैट्स इट। इसको खूब अच्छे से हम मिक्स करते हैं। ओके, सो ये मिक्सचर रेडी है। चलो जी, ये है हमारी जौ ज्वार की रोटी, इसके अंदर हमने लगा देना ये हमारा मिक्सचर। रोटी हमने पहले ही बना के रख दी थी, ये लगाया जी मिक्सचर इसके अंदर। ओके, इसको हमने करा गोल गोल रैप, इसको किया पुट्ठा। ऐसे ही हमारे पास एक और है रोटी, इसके अंदर हम लगाएंगे ये मिक्सचर अगेन। किया मिक्स, इसको हमने किया पुट्ठा, इसको हमने, एंड इट्स रेडी। ओके, सो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, रेडी। नाउ ब्रेकफास्ट के टाइमिंग्स हमारे क्या रहेंगे, 9:30 बजे से पहले पहले हमने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर देना है। और जो ब्रेकफास्ट हमारा रहेगा, मेक श्योर आप उसमें किसी भी टाइप की कोई मिर्ची ना डालें, कोई भी आर्टिफिशियल जितनी भी हमारी रेड केचप्स होते हैं, सॉसेस होते हैं, मेयो होते हैं, वो आप ऐड ना करें। अगर आपका ये रैप खाने का मन नहीं है, इसके अलावा मेरे चैनल पे सैंडविचेस की रेसिपीज़ हैं, आप कोई भी सैंडविच का रेसिपी पिक कर सकते हैं और बना सकते हैं। आप चीले बना सकते हैं, दाल के बेसिक चीले हैं, घर पे जो जितनी भी हमारी दालें होती हैं उनके चीलों की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप इनमें से कोई भी पिक करके आप ईजिली अपने डाइट में ले सकते हैं। नाउ यहाँ पे बात आती है मिल्क टी एंड कॉफ़ी की, क्या हम दूध वाली चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं विदाउट शुगर? यस, आप ले सकते हो, कोल्ड कॉफ़ी भी ले सकते हो मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट के साथ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की, उसके लिए चलते हैं किचन में। बात आती है मिड ब्रेकफास्ट की, मिड ब्रेकफास्ट में हम लेंगे हमारा वाटरमेलन, मस्क मेलन, हाफ मैंगो या फिर जामुन। मुट्ठी भर जामुन हमारे पास नहीं, हमारे पास ख़त्म हो गए हैं, बट आप कोई भी सीजनल फ्रूट पिक कर सकते हो एज पर योर बजट, बट वाटरमेलन अगर सीजन में मिल रहा है तो हम वो लेंगे। वेलकम बैक जी, अब है लंच का टाइम। नाउ लंच में या तो आप लोगे कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी हम ले सकते हैं, यहाँ पे हमारे चिया सीड की कोल्ड कॉफ़ी है, मेरे चैनल पे रेसिपीज़ हैं। मैंगो स्मूदीज आप ले सकते हो, दाल से बनी हुई, सिंपल दाल से बनी हुई कोई भी सैलड्स आप इनमें से पिक कर सकते हो, या फिर हम लेंगे सोया चंक का चिल्ड सैलड, वो बनाना कैसे है चलते किचन में। अब हम बात करते हैं लंच पे, लंच के लिए मेरे पास है सोक किए हुए हमारे सोयाबीन, प्रोटीन का बड़ा तगड़ा सोर्स है ये। सारा वाटर हम इसमें से निचोड़ लेंगे और ये बचा हमारे पास सोयाबीन, बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं ये। बहुत ही सिंपल सा सैलड हम बनाएंगे यहाँ पर। ये रहे मेरे पास प्याज, ये डाल दी मैंने प्याज। नेक्स्ट ये रहे मेरे पास खीरा। नेक्स्ट ये रहे मेरे पास टमाटर बिना बीज का, और सबसे अच्छी चीज़ ये सारी जितनी सैलड्स हैं सब चिल्ड हैं, ठंडी है एकदम, आपके ऊपर है, आप किसी भी टेम्परेचर पे लेके खा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है होममेड मलाई, अगेन ठंडी एकदम, ये भी मैंने इसमें डाल दी है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी सीजनिंग टेस्ट के लिए। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, खूब अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। एंड द सैलेड इज रेडी। वेलकम बैक, अब हम बात करते हैं इवनिंग की। नाउ इवनिंग के स्नैकिंग के अंदर आप ले सकते हैं या तो बटर मिल्क, छाछ एकदम ठंडा ठंडा, साथ में 1 से 2 आंवले का मुरब्बा घर का बना हुआ, या फिर अच्छे से वॉश करके बाहर का भी है, जितनी भी एक्स्ट्रा चाशनी है उनको हटाकर। अपार्ट फ्रॉम दैट आप भुना हुआ चना ले सकते हैं। अब इवनिंग में हम लेंगे यहाँ पे आइस टी। नाउ आइस टी बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, बेसिक चीज़ों से घर की बनी हुई है, कैसे बनानी है चलते किचन में। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं आइस टी इवनिंग के लिए। यहाँ पे मेरे पास है चाय पत्ती, मैंने ली है मेरी 1 चम्मच जितनी चाय पत्ती। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा गर्म पानी, 1/2 कप जितना गर्म पानी, और इसको अब हम 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ जाता पानी, तब तक इसको एज इट इज छोड़ देंगे। जब तक हमारी टी ठंडी होती है, इसमें मैंने डाले हैं थोड़े से पुदीना के पत्ते, 1 चम्मच जितना मेरा हनी,
कॉफ़ी पीछे से फ्लेवर कर रहा है, उसको हनी इतना अच्छा लगता है। हाफ अ लेमन जूस, ये रही मेरे पास हमारी टी जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आइस, सो ये रही हमारी आइस टी। आइस टी के साथ हम ले सकते हैं भुना हुआ चना या भुना हुआ मखाना, जो भी आपको इजी एंड कंफर्टेबल मिल सके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिनर की सबसे क्रिटिकल चीज़ डाइट के अंदर। अब इस सीज़न में हमको बहुत आसानी से मिलते हैं टिंडा, तोरई, घिया, पेठा। अब ये सब्जियों के नाम सुन के आपका मुंह बनेगा, बट ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा वेट लॉस करते हैं, डिनर के लिए बेस्ट रेसिपीज़ हैं और इन सब में से कोई भी रेसिपी आप पिक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे दाल किया है, दाल पेठा है, टिंडे की सब्जियां हैं, या फिर मेरे चैनल पे यहाँ पे करेला और दाल की भी सैलेड है, मेरे चैनल पे यहाँ पे पनीर एंड बैंगन का भी रोल है और बैंगन की भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं ब्रिंजल की। आप इनमें से कोई भी रेसिपी पिक कर सकते हैं एंड अपने डिनर में ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिन जिन लोगों को चिल्ड चीज़ चाहिए डिनर में एंड कॉन्स्टिपेशन बहुत हो रहा है, हीट स्ट्रोक आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, गुलकंद वाला मिल्क शेक मेरे चैनल पे रेसिपी आप इनमें से पिक करो, या फिर मैंगो स्मूदी या फिर मैंगो शेक आप रात को ले सकते हैं। चीनी मत डालना, बट उसके अलावा आप इनमें से कोई भी रेसिपीज अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। नाउ नाइट ड्रिंक में हम ऐसा क्या लेंगे जिससे हमारा मेटाबॉलिक रेट तेज़ हो, हमको सुबह कॉन्स्टिपेशन और स्वेलिंग और ब्लोटिंग ना आए और हमारा बाउल मूवमेंट अच्छे से क्लियर हो जाए। त्रिफला पाउडर, त्रिफला पाउडर की डब्बी मेरे ख्याल से 100 से 150 रुपए की आती है, छोटी सी पतंजलि की या फिर डाबर की, आप उसे पिक करो। आधा चम्मच त्रिफला पाउडर आधे कप पानी में मिक्स करके हम उसको पी के सोएंगे, सबसे अच्छा सोर्स है डिटॉक्स का, बहुत अच्छे से आपका टमी क्लियर होगा। रेगुलर त्रिफला पाउडर अगर आप ले रहे हो 10 से 15 दिन तो आप इतनी सी क्वांटिटी में लेंगे, उसको रेगुलर महीनों तक मत चलाना। ना कुछ कुछ मेरे पास मेंबर्स हैं वो बेचारे मेरा बैच ज्वाइन करते हैं, 1 साल से त्रिफला ही खा रहे हैं, उसके बिना उनका बाउल मूवमेंट ही नहीं क्लियर हो रहा। सो हमको किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना, हमें बहुत सारी चीज़ों को चेंज करते जाना है। नॉर्मल वाटर का इंटेक होगा 3 से 4 लीटर, मटके का पानी पियेंगे, फ्रिज का लगा हुआ पानी हम नहीं पियेंगे। सो आई गेस दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइज, आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। बहुत ही सिंपल चीज़ों से बना हुआ है, सो अब जिन जिन लोगों को लगता है कि डाइट करना एक महंगा गेम है, बहुत सिंपल गेम है। सो या दैट्स इट, एंड ईजिली आप लोगों का लूज होगा 6.5 से 7 किलो 1 महीने में, और अगर बहुत तमीज़ से डाइट करते हो विदाउट एनी गैप एंड चीटिंग 9 से 10 ईजी। So yeah, that's it. I'll see you soon. Take care. See, bye bye.